स्वागत है आपका नेशनल मॉस्किटो नेट में। ये हमने प्लीटेड मॉस्किटो नेट इंस्टॉल करा है, नवी मुंबई का ये प्रोजेक्ट है। जैसा आप देख रहे हैं, हमने ये 45 एंगल में मॉस्किटो नेट इंस्टॉल किया हुआ है और ये बालकनी पे इंस्टॉल किया हुआ है, विंडो के जस्ट बाहर। जैसा कि जो सर का जगह है और क्लाइंट की जो जगह है वहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है। देखिए 45 के एंगल में कोई बिना ऑब्स्ट्रक्शन का आके लग रहा है, बीच में हमने कुछ भी पाइप वगैरह नहीं लगाया हुआ है जिससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। व्यू आपका बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल ही आपको व्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये जाली है, मॉस्किटो नेट की जाली है जिससे आपको किसी भी प्रकार के मॉस्किटो अदर फ्लाइज जो है एंटर नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार से ये बैरियर प्रोवाइड करता है आपके घर के और बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में, इससे आप सेफ रहते हो, सेफ फील करते हो, सेफ रहते भी हो क्योंकि बाहर से कोई मॉस्किटो नहीं आते, किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े नहीं एंटर कर पाते आपके घर में। और देखने में भी काफ़ी एलिगेंट सा होता है, देखने में भी काफ़ी सुंदर होता है और ये ऑपरेट करने में भी काफ़ी ईजी होता है। जैसा देख रहे हैं मेरे जो यहाँ पे टेक्नीशियन है किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, कितना ही बेहतरीन है। सेंटर ओपनिंग हमने इसको रखा है, सेंटर से ये ओपन होता है और साइड में जाके क्लोज हो जाता है। देखिए काफ़ी बड़े साइज का विंडो है, 10 फीट की इसकी लेंथ है और 8 फीट के 9 फीट के आसपास इसका हाइट है। अभी देखिए लिविंग रूम में भी हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और विंडो के बाहर जो व्हाइट कलर में हमने इसको दिया हुआ है। ये पोलिस्टर फाइबर ग्लास की जाली होती है तो इसलिए इसमें रस्टिंग वगैरह स्टेन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और बहुत ड्यूरेबल होता है, लगभग 7-8 साल तक आराम से ये जाली जाती है और ये ख़राब नहीं होती है, पानी धूप ये सब चीज़ों से ये ख़राब नहीं होगी। अगर आपको इस तरीके की जाली की रिक्वायरमेंट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।